मैं सब प्यार से जिंदगी में कभी ना भूलूं। तो गाइस जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आप सबकी खूबसूरत अज्जा आज भी रेडी हुई है और अभी मैं आप सबको मम्मा से मिलवाती हूँ। मम्मा आ जाओ। तो मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो एवरीवन, तो हमारे जो है एक रिलेटिव है हमारी, यानी गली में नेबर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स की तरह ही हैं। तो उनके बेटे की है आज ढोलकी, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, हाँ तो वहाँ जा रहे हैं और दूर भी नहीं है, सामने ही है, सामने ही है। बाकी आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या होता है, क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी बहुत ज्वाइनिंग फैमिली है और बहुत मजा आने वाला है। तो पूरे ब्लॉग में हमारे साथ रहिएगा। चले फिर, चलो फिर हम लोग आपसे मिलते हैं वहीं पर और उनसे मिलवाएं। और ढोलकी हो रही है ना, दरिया है।
तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं। येरी मम्मा कहाँ मम्मा? हम लोग चेंज करने लगे, अब चेंज करने लगे हम, और सुबह से स्कूल भी खुल रहे हैं क्योंकि विंटर वेकेशन खत्म हो चुकी है। एक्साइटेड हो स्कूल जाने के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, और सुबह पर नींद मिटती ना तो फिर जब मूड होते तब तो सही होते हैं। हाँ सही होते हैं। तो अभी चेंज वगैरह करते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने चेंज वगैरह कर लिया। तो अभी जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि इनका है स्कूल का कल फर्स्ट डे, विंटर वेकेशन खत्म हो चुकी है, तो एकदम से पापा ने आके वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो हाँ भाई बताओ डैडू ने क्या एकदम बोल दिया आके? डैडू ने बोला कि कल है छुट्टी, यहाँ पे आइसक्रीम। तो डैडू ने इनके बोला भाई पापा ने मतलब के जो है ना कल छुट्टी करो क्योंकि कल बच्चे नहीं आते। वैसे आप लोग इस बात से रिलेट कर सकते हो है ना कि बच्चे नहीं आते फर्स्ट डे, फर्स्ट डे बच्चे नहीं आते तो कल छुट्टी है। वैसे आपको जाना चाहिए, बहुत बुरी बात है ये। क्या करूं डैडू ने बोला छुट्टी का। वैसे एक बात बताओ, मैं बुलबुल ने देख लीजिए ना, आपने हटाया क्यों? आप स्टॉप भी तो कर सकती थी। मैंने हटा दिया, बस बंद कर दिया मैंने, तो इसलिए अब इनकी कल की छुट्टी मम्मा तो नहीं करवा रही है, सिर्फ पापा की वजह से इनकी छुट्टी हो रही है। मैं तो कह रही चली जाओ। चलो तो अभी जो है यहाँ पे आइसक्रीम खा रही है, आप देखो बुलबुल है ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 2, और ना पापा का बहुत दिल कर रहा था रशियन सैलेड खाने का, तो सब जो है बंद हो चुका था, अंबाला पे भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फिर पापा सारा सामान लिया है। तो अभी हम ये बना रहे हैं, यहाँ पे मैक्रोनीज बॉयल हो रही है, यहाँ पे ये सब कैप्सिकम एप्पल और पाइन एप्पल सब कट हो चुके हैं ठीक है। और ये जो है चिकन है, ये अभी मैं जो है सौते करूँगी, मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ जो है मैक्रोनीज हमारी बॉयल हो गई थी, अब मम्मा चिकन सौते कर रही हैं। ये थोड़ी सी गल जाएगी ना फिर डालेंगे ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे जो हमारा सैलेड है बिल्कुल डन हो चुका है ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी देखनी है तो मम्मा के चैनल पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और पापा ने सैलेड के साथ ही अलग से अनार और कीवी कटवाई थी ताकि मिक्स करके पापा खाएं। कैसा बना है? जबरदस्त, मजेदार, मजेदार। The next day. यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे ठीक है। कल हम लोग ने व्लॉग एड नहीं करा था खाने पीने के बाद, बस हम लोग सो गए थे उसके बाद। अच्छा तो ये था छोटू से ढोलकी का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थोड़ा मैसी सा बना बट जो जो कैप्चर हुआ मैंने कर लिया ठीक है। वीडियो हम लोग यहीं पे करते हैं।